subscribe to my YouTube channel and press the bell icon for regular updates. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे एक नए वीडियो के साथ। मैं हूं सरफराज, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सरफराज कुन स्टार्ट। आज मैं आपको बताने वाला हूं किस तरह से आप वाटर कलर शुरू कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें की ज़रूरत पड़ती है वाटर कलर के लिए, वो सब मैं बताऊँगा आपको। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सब वाटर कलर अगर शुरू करना है आपको, तो शुरू करने के लिए सबसे पहले कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जो कि ये है। जैसे आपको अगर वाटर रखने के लिए चाहिए एक जार, उसके बाद आपको चाहिए एक मास्किंग टेप, कुछ ब्रशेज। और ब्रशेज में इस बात का ध्यान रखें कि हमेशा स्क्वायरल हेयर ब्रश लें, क्योंकि इससे वाटर कलर बहुत ही अच्छा होता है, इससे पेंट बहुत अच्छे होते हैं वाटर कलर के लिए। और चाहिए आपको टिश्यू पेपर के अलावा चाहिए आपको पेंसिल और कलर्स। जो मैं इस्तेमाल करता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ मैं कौन कौन सा कलर इस्तेमाल करता हूँ। सबसे पहले है परमानेंट ऑरेंज, उसके बाद इंडियन येलो, परमानेंट ग्रीन लाइट ऑरेंज, पिंस ग्रे, सैप ग्रीन, इंडिगो और अल्ट्रामरीन ब्लू और रोज़ मैटर। मैं इतने कलर यूज करता हूँ। आप चाहे तो सेट भी ले सकते हैं, लेकिन मुझे ट्यूब सिंगल जो जो मुझे पसंद होते हैं मैं वो ख़रीद लेता हूँ। तो ये है आपका सेटअप और एक कलर पैलेट आप देख सकते हैं, मेरा टूट चुका है लेकिन मैं इसी से करता हूँ काम। तो ये है वाटर कलर के बेसिक मटेरियल जो आप ले सकते हैं, ख़रीद सकते हैं। मास्किंग टेप का इस्तेमाल हम करते हैं इसका बॉर्डर के लिए। जैसे अगर आपको चाहिए कि हाँ कि आपका पेपर हिले नहीं, तो उसके लिए हम यहाँ पे इसके अपने नीड के अकॉर्डिंग इसको चिपका लेते हैं, ताकि हमें एक अच्छा सा क्लीन बॉर्डर मिल सके। अब जैसे मैं यहाँ पे चिपका रहा हूँ, लेकिन मैं आज बताऊँगा कि आप शुरू कैसे कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें आपको किस तरह से प्रैक्टिस करनी चाहिए वाटर कलर में। तो ये मैं बस लगा के आपको बता रहा हूँ कि हाँ, इस तरह से आप बॉर्डर क्लीन बॉर्डर ले सकते हैं अगर आप पूरा पेंट कर रहे हैं तो। तो ये हो गया हमारा मास्किंग टेप, अप्लाई कर दिया मैंने। अब देखिए, इसमें अगर जैसे आपको सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि आपको अगर वाटर कलर करना है तो आप पहले प्रैक्टिस करें सिंगल ऑब्जेक्ट लेकर। एक बार में ही आप पूरा एक लैंडस्केप बनाने की कोशिश ना करें। अब जैसे लैंडस्केप में बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, एक हट हो जाती है, हट भी हो सकते हैं, पेड़ हो सकते हैं, पहाड़ हो सकते हैं, पत्थर हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो कोशिश करें कि पहले प्रैक्टिस करें सिंगल ऑब्जेक्ट लेके। तो उससे क्या होगा कि आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो इंक्रीज़ होगा। तो उसके लिए जैसे अगर मान लीजिए आपको एक हट बनाना है, हट की पेंटिंग करनी है, तो हट की ड्राइंग कर ले पहले। जैसे मैं यहाँ पे करके बताता हूँ, ड्राइंग हमेशा लाइट चलाए पेंसिल, क्योंकि ये वाटर कलर में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर डार्क चलाइएगा तो आप कलर जो अप्लाई करेंगे उसमें वो ऊपर से पेंसिल दिखेगी, तो वो अच्छा नहीं लगता देखने में। तो इस बात का ध्यान रखें। अब जैसे हट बना रहा हूँ मैं यहाँ पे, अब जैसे यहाँ पे एक वो ये आया, इसके बाद यहाँ से ये जाएगी, ये हुआ। ड्राइंग कर लिए, ये हमारा हो गया हट की ड्राइंग। मैं कलर करके बताता हूँ किस तरह से आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। कलरिंग शुरू करने से पहले एक चीज़ का ध्यान रख लें कि आप देख लें कि किस तरफ से सोर्स ऑफ लाइट आ रहा है, मतलब लाइट किस तरफ से आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग अपना शुरू करें। अब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मुझे पहला टोन देना है, तो मैं क्या करूँगा कि मुझे जो भी अच्छे लगेंगे कलर, अपने अकॉर्डिंग भी कलर अप्लाई कर सकते हैं और जो सामने दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, तो ये आप पे डिपेंड करता है। तो मैं ब्लू ले रहा हूँ यहाँ पे, अल्ट्रामरीन ब्लू ले रहा हूँ। उसके बाद
साइड में मैं बर्न सियना भी ले रहा हूँ थोड़ा सा, ये हो गया लाइट कलर का। अब उसके बाद पहले मैं थोड़ा सा इसमें ब्लू का इस्तेमाल करके इस तरह से लाइटली दे दूंगा, उसके बाद इसको थोड़ा सा मर्ज करते हुए लाऊंगा, उसके बाद इसमें ब्राउन। अगर मैं इस तरफ से लाइट दिखा रहा हूँ राइट टू लेफ्ट, तो इधर से मुझे लाइट रखना पड़ेगा और इधर से डार्क रखना पड़ेगा, तो इधर डार्क रखना है तो मैं उसके लिए बर्न सियना का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये तो पहले भर ले अच्छे से, उसके बाद इस तरफ लाइट है तो मैं यहाँ पे परमानेंट ऑरेंज लूँगा थोड़ा सा, उसके बाद यहाँ पे मैं इस तरह से पहले फिलिंग करना है आपको। और एक इस बात का भी ध्यान रखें कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा पूरा वाइट है एकदम, बहुत ज़्यादा लाइट पड़ रही, तो उसे आप छोड़ सकते हैं, उसे बाद में एडजस्ट कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे हो गया, अब मैं इसमें थोड़ा सा ऑरेंज में थोड़ा सा ब्लू मिक्स करूँगा, और इसे क्योंकि लाइट इस तरफ से अगर आएगी तो ये चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएंगी, तो उसके लिए मैं ये डार्क कर रहा हूँ। ये हुआ, ये हमारा हो गया पहला टोन। और जब अब जैसे ये वाइट है, बहुत ज़्यादा वाइट अगर लग रहा है तो आप इसमें हल्का सा कलर का इस्तेमाल करके इसे भी वो कर दे, ये पहला टोन हो जाएगा हमारा पहला टोन। तो पहला टोन हो गया हमारा कंप्लीट। अब इसको या तो आप सूखने का इंतज़ार कर सकते हैं या इस पर भी कर सकते हैं, तो मैं आपको इस पर करके दिखाता हूँ किस तरह से आप दूसरा टोन अप्लाई करना है। तो दूसरा टोन के लिए आपको करना क्या है, इस जो जो कलर लिए थे जहाँ जहाँ पे अप्लाई किए थे उसी कलर को लेना है और थोड़ा डार्क बना के उसके एप्लीकेशन उसको अप्लाई करेंगे। तो जैसे अब मैं दिखा देता हूँ आपको, मैं अब जैसे मैंने फिर से लिया, पहले लिया मैंने बर्न सियना लिया है, उसमें थोड़ा सा पेंसिल ग्रे मिलाया है, तो ये थोड़ा सा डार्क हो गया है। तो अब इसको मैं अप्लाई करूँगा कुछ कुछ जगहों पे जहाँ पे थोड़ा थोड़ा डार्क होंगे। तो ये आया, इस तरह से बस जरा जरा सा आपको अप्लाई करना है। उसके बाद अब जब उसके बाद जब ये सूख जाए थोड़ा, तो इसमें और ज़्यादा डेप्थ देना शुरू करेंगे। जैसे कि ये सेकंड टोन हो गया, अब मुझे फाइनल थर्ड टोन देना है। फाइनल टोन भी हो सकता है थर्ड, लेकिन डिपेंड करता है आपको कैसा चाहिए। अब जैसे यहाँ पे थोड़े से इसके शेडोज आएंगे, तो वो मैं बना दे रहा हूँ, ये हो गया। और इसको हल्का सा जो शेडोज की जो शार्प लाइन है उसे पूरी तरह से ना छोड़े, एक दो उससे जैसे इसको मैं मिक्स कर देता हूँ जिससे वो थोड़ा सा अच्छा लगे। तो ये हो गया, उसके बाद जब ये सूख जाए अच्छे से और अच्छे से, तो इसमें फाइनल टोन देंगे और डिटेल देंगे। अब जैसे मुझे इसमें खिड़की बनाना हो बीच में, जैसे कि यहाँ पे एक, तो एक हल्का सा स्ट्रोक्स दे, अभी भी गीला ज़्यादा इसलिए ये फैल रहा है ज़्यादा, तो इसे थोड़ा सूखने दे, फिर उसके बाद अप्लाई करेंगे बाकी कलर। अब ये हमारा लगभग सूख गया है, तो अब हमें डिटेल करना है। तो डिटेल करने के लिए आपको थोड़े से पतले ब्रश चाहिए होंगे, जो कि मैं दिखाता हूँ कौन से ब्रश। मैं फ़िलहाल तो फिलहाल मैं 4 नंबर ब्रश का इस्तेमाल करूँगा, इसी से मैं डिटेल करूँगा। तो डिटेल करने के लिए डार्क कलर बना ले। डार्क कलर बनाने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं बर्न सियना, पेंसिल ग्रे और अल्ट्रामरीन ब्लू, जैसे कि मैं यहाँ पे
बना रखा है। तो ये हो गया, अब इसको मैं अप्लाई करके दिखाता हूँ। तो अब मुझे डिटेल करना है, तो इसका ये थोड़ा सा और डार्क होगा। ये हमारा डिटेल जो का इस तरह से कर देंगे। ये इस तरह से जो भी आपका अगर रेफरेंस ले रखे हैं तो उसमें से। इसमें एक चीज़ ये भी ध्यान रखें कि इसमें पूरी तरह से डिटेल नहीं करते, इसमें बस इम्प्रेशन देते हैं जिससे वो लगने लगे कि हाँ मैंने जो बनाया है वो ये है। तो इस तरह से इसमें इस तरह से डिटेल दे। उसके बाद अब जैसे यहाँ पे है, इसका मैं इस तरह से दूंगा। अब इसमें देखिए, जैसे ये तो एकदम प्लेन सा लग रहा है, तो इसमें आप थोड़े बहुत जैसे बर्न सेना ले लिए, थोड़ा सा बर्न सेना लेके पेंस ग्रे में, और इसमें थोड़े थोड़े से लाइनें खींच दें जिस वे में भी ये मुड़ा हुआ है उस तरफ से। तो ये थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा, वो लगेगा कि हाँ उस पर है। तो इसके फिर इसमें थोड़ा बहुत डिटेल दे दें हल्का सा इस तरह से। ये हो गया। अब देखिए, अब इस तरफ देखना है कि हमें थोड़ा खिड़की वगैरह भी बनाना है, और इस तरफ थोड़ा और डार्क अगर लगे कि और डार्क हो सकता है तो और डार्क दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं खिड़की बना दे रहा हूँ एक, और खिड़की बनाने के बाद इसमें थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि इसको और टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करना है, जैसे ब्रश लिए और इसको पोंछने के लिए। और इसमें अब थोड़ा सा मैं क्या करूँगा कि इसे मर्ज करूँगा हल्का सा, इसमें और कलर लूँगा और इसमें और लगाऊँगा ताकि इस दोनों में डिवीज़न आ जाए। तो ये हो गया इस तरह से। और थोड़ा बहुत लाइट अगर इस पर भी पड़ रहा है तो उसके लिए हम छोड़ देंगे उस एरिया को, तो वो अपने आप लगेगा कि हाँ यहाँ पे लाइट थोड़ी सी पड़ रही है। तो अब आते हैं इसमें, इसके मेन फ्रंट में। तो दरवाज़ा है, दरवाज़ा अगर है तो दरवाज़ा बनाएंगे, तो उसके लिए पेंस ग्रे और बर्न सेना का मैं इस्तेमाल करूँगा। तो ये आ गया यहाँ, दरवाज़ा हो गया। और अगर कभी कभी क्या होता है कि इस सब में अगर छेद वो होता है, क्या कहते हैं, मतलब लाइट पास करती है, तो उसमें भी थोड़े थोड़े आपको वो दिख जाएंगे शेडो, तो वो आप बना सकते हैं इसकी मदद से, ब्रश से, और इसके अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत डिटेल ले सकते हैं। अब यहाँ पे भी जैसे अभी ये यहाँ है तो ये थोड़ा सा कर्व होके जाएगा, तो यहाँ आ गया ये इस तरह से। थोड़ा पेशेंस के साथ बनाएंगे और तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस कीजिए तो आपको रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। और कोशिश करें अभी शुरुआत में सिंगल सिंगल ऑब्जेक्ट बनाएं, एक साथ बहुत सारी चीज़ें अभी बनाने की कोशिश ना करें। उससे क्या होगा कि आपका अगर आपसे नहीं बनेगा मान लीजिए, तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो थोड़ा डाउन हो जाएगा। तो इसीलिए इस तरह से प्रैक्टिस करें। अब जैसे इसमें भी मैं चाहता हूँ थोड़ा सा वो बना देना, जैसे छप्पर वगैरह होते हैं ना ऊपर के छत, तो वो उस तरह से, ताकि थोड़ा और अच्छा लगे ये। तो ये सब डिटेल में करेंगे। तो ये हो गया हमारा ऐसे, ऊपर जाते जाते एकदम लाइट कर दे, थोड़ा थोड़ा कम कर दे। उसके बाद अब यहाँ पे थोड़ा बहुत मान लीजिए किसी हट में होता है कि ऊपर में हाँ इस तरह से निकले हुए रहते हैं, तो उसके लिए थोड़ा थोड़ा सा एडजस्ट करें। और ये तो ये हमारा हट लगभग हो गया है कंप्लीट। तो अब मैं आपको थोड़ा सा और इसमें काम कर देता हूँ। तो ये
अब यहाँ पे ये तो हवा में नहीं होगा, तो इसके लिए एक डंडी बनाएंगे जिस पे वो है। तो उसके लिए सेम पेंस ग्रे ब्लू और बंट सेना लूँगा और उससे एक लाइन खींचूँगा इस तरह से, जिससे लगे कि हाँ वो उस पे ही अड़ा हुआ है। अब यहाँ से भी एक खींच देंगे, ये हो गया हमारा। अब जैसे थोड़ा बहुत नीचे का एरिया हो तो उसको हल्का हल्का उस तरफ भी डिटेल दे देंगे थोड़ा बहुत, जैसे ईंटों का इफेक्ट वगैरह, जैसे या वहाँ पे आसपास कुछ है पड़े हुए वो इस तरह से। तो ये हुआ। और इसमें देखिए ये जो मैंने इस तरफ खिड़की जो बनाया था वो मिक्स हो गया, तो आप चाहें तो फिर दोबारा से उसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये हो गया। तो उम्मीद है आपको समझ में आई होगी किस तरह से प्रैक्टिस करना है। तो प्रैक्टिस इस तरह से करना है। और अब जैसे अगर मान लीजिए ये अगर आपकी प्रैक्टिस हो गई अच्छे से, तो आप चाहें तो इसमें बैकग्राउंड में थोड़े बहुत कोई पेड़ वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, जैसे मैं वो भी बता दे रहा हूँ। पेड़ बनाने के लिए मैं ले रहा हूँ, दिखा दे रहा हूँ मैं आपको कलर कौन कौन से कलर ले रहा हूँ मैं। तो अभी दिखाता हूँ मैं पेड़ बनाने के लिए मैं ज़्यादातर इस्तेमाल कर ये, जैसे ये है परमानेंट लाइट ग्रीन, ये लिया। इससे मैं क्या करूँगा कि पहले थोड़ा बहुत वो बना दूँगा, क्या कहते हैं थोड़े बहुत। और पेड़ बनाने के लिए हमेशा याद रखें कि उसमें एक एक पत्ते गिन गिन के नहीं बनाए, उससे क्या होगा कि आपका बहुत टाइम भी लगेगा। और वाटर कलर में ऐसे नहीं होता कि आप एक एक पत्ते गिन के बनाएं, बस उसका ये देख ले कि उसका इम्प्रेशन किस तरफ से आएगा। हल्के से आंखें ब्लर करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से किए और जैसे ये लाइट हो गया, थोड़ा सा और कर देते हैं और ये लाइट हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, सैप ग्रीन लेंगे, थोड़ा सा सैप ग्रीन और उसमें हल्का सा अल्ट्रा मरीन ब्लू मिला के थोड़ा सा उसके जहाँ जहाँ पे थोड़ा बहुत वाइट छूटा है उस तरफ में देंगे। जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो। उसके बाद मैं सैप ग्रीन में थोड़ा सा पेंस ग्रे मिला दूंगा, ये और ज़्यादा डार्क हो जाएगा। तो थोड़ा बहुत और ज़्यादा डार्क कहीं कहीं पे होता है तो वो दे देंगे। ये हो गया। अब जैसे इसके डाल बनाने हैं आपको जिस पे वो खड़ा है, तो उसके लिए इसमें लेंगे इस तरह से, ये हमारा पेड़ हो गया कंप्लीट। अब जैसे पेड़ अगर बना दिए तो इसको इसमें अटैच कर दें ताकि लगे कि हाँ दोनों एक ही है। टिश्यू पेपर हमेशा साथ में रखें ब्रश पोंछने के लिए, या तो आप चाहे तो कपड़ा भी रख सकते हैं लेकिन टिश्यू पेपर ज़्यादा अच्छा होता है। जैसे अगर आपको स्काई में बनाना हो तो टिश्यू पेपर बहुत काम आता है स्काई बनाते वक्त। तो इस तरह से। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।